हेलो गाइस, सेविंग फंड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC का एक ऐसा धाकड़ प्लान देखने वाले हैं जिसके अंदर आप सिर्फ एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट करके मात्र 10 साल के अंदर यानी 2035 तक आप 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। आप ऐसा भी करें या लमसम करें, आपके पास 1 करोड़ रुपये का फंड बन जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी मात्र 12 से 13 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट यानी लमसम पैसा है या फिर मंथली बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपए का फंड बनाने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आप ट्रेडिशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक FD, LIC स्कीम या किसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ठीक बात है, लेकिन इस ट्रेडिशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आप पूरी ज़िंदगी में कभी 1 करोड़ रुपये का फंड बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। इसका रीज़न है रिटर्न्स। वो कैसे? तो देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस, LIC स्कीम या बैंक FD में मैक्सिमम आपको 6 से लेकर 7% तक का ही रेट ऑफ रिटर्न्स मिलता है। और हमारे देश में दोस्तों, जो महंगाई दर यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगातार 5 से लेकर 6% के आसपास बढ़ रही है। मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आज से 5 साल बाद 0 होगा या फिर आज से ही 0 समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए भले ही आप कम पैसा इन्वेस्टमेंट कराएं बट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर कराएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आपको ईयरली कंपाउंड होकर मिलता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स एवरेज ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लाइक 8 से 10 साल का टाइम पीरियड देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपये का फंड ईजिली बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बस 2 मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला, आप जिस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं उसके अंदर आपको ग्रोथ कैसी मिल सकती है, और दूसरा ये कि उस फंड या प्लान का पोर्टफोलियो कैसा है यानी कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। म्यूचुअल फंड प्लान की बेसिक डिटेल को देखने के बाद अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें रिस्क भी कम हो, पोटेंशियल ग्रोथ भी ज़्यादा हो, तो फिर दोस्तों आप एक बेस्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और एक बड़ा फंड उसे ईजिली बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक ऐसा ही फंड है HDFC का। फंड का नाम है दोस्तों HDFC मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस फंड में दोस्तों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप यानी कि तीनों कैटेगरी की कंपनियां शामिल हैं। कहने का मतलब दोस्तों, आप एक ही फंड के जरिए पूरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों इस फंड की परफॉर्मेंस में सबसे पहले रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 6 महीने में 20% का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में 42% का रिटर्न दिया है। यानी अगर हम ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ये फंड दोस्तों 27.5% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, 2021 में ही लॉन्च हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने कम टाइम पीरियड के अंदर 27.5% के रिटर्न जनरेट कर रहा है यानी कि 3 साल में आपका पैसा यहाँ पर डबल हो सकता है। तो ऑल टाइम का रिटर्न 27% से ज़्यादा का है। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, उसके बाद जो फंड की बाकी डिटेल है वो देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेमन के बारे में देख लेते हैं। आप एक नए ट्रेडर हो या ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं और कोई नया प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहते हैं तो लेमन आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, लेमन एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेज है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों ट्रेड पर फर्स्ट मंथ के लिए ब्रोकरेज बिल्कुल आपका 0 है। इसके साथ साथ 1 साल के लिए मेंटेनेंस फीस भी बिल्कुल 0 है। दोस्तों, लेमन एक इंटरएक्टिव मोबाइल ऐप प्रोवाइड करता है जो आपको स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देता है। साथ ही दोस्तों कई सारे IPOs सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं जिनको आप बिना किसी प्रॉब्लम के लेमन ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, लेमन आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ईजी बनाता है। यहाँ पर दोस्तों लेमन के 2 फीचर्स काफ़ी बढ़िया हैं जिसमें पहला है एनालिस्ट रेटिंग। इस फीचर से आपको स्टॉक बाई करना है, होल्ड करना है और सेल करने में लेमन के टॉप एनालिस्ट आपके लिए बढ़िया से रिसर्च करके आपको एडवाइस दे सकते हैं जैसे आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो ईजी हो जाए। जबकि दूसरा फीचर्स है इन्वेस्ट इन सेक्टर, यानी इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के सेक्टर मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो काफ़ी बेहतर बन जाती है। तो दोस्तों, आज ही लेमन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके कंसिडर करिए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मान लीजिए आप इस फंड में लमसम 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको 27% का रिटर्न मिल जाता है। 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं 20 साल में आपके 1 लाख रुपये की वैल्यू 1 करोड़ 19 लाख रुपये हो जाएगी। भाई मान लीजिए आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, आप 5 लाख रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं इस फंड के अंदर और आपको 27% का रिटर्न मिल जाता है तो मात्र 13 साल के बाद ही
आपके 5 लाख रुपए की वैल्यू 1 करोड़ 11 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं मान लीजिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको 1 करोड़ रुपए का फंड जल्दी बनाना है। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 27% का आपको रिटर्न मिल जाता है, तो मात्र 10 साल में आपके 10 लाख की वैल्यू 1 करोड़ 9 लाख रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई लमसम अमाउंट नहीं है, 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं है, और आप मंथली वाइज सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 27% का रिटर्न मिल जाता है, तो 15 साल तक कंटिन्यू 5,000 की SIP करने पर आपका 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन 27% रिटर्न के हिसाब से उसकी जो वैल्यू बनेगी मंथली 5,000 की, वो आप देख सकते हैं 1 करोड़ 22 लाख रुपए की। जबकि आपको जल्दी से 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है SIP के थ्रू, आप मंथली 9,000 रुपए की SIP करते हैं 12 साल तक और आपको 27% का रिटर्न मिल जाता है, तो 12 साल में 13 लाख रुपए टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो आप देख सकते हैं 97 लाख रुपए से ज़्यादा बन जाएगी। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब, अगर आप मंथली वाइज 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले 12 से 13 साल, तो आप 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। जबकि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके मात्र 10 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 10 साल 12 साल में फंड 1 करोड़ का कैसे बनेगा, अगर आपको 27% का रिटर्न मिल जाता है तब जाकर। लेकिन दोस्तों, ये रिटर्न, जैसा कि आपको पता है, म्यूचुअल फंड के अंदर फिक्स रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब, कभी मार्केट एकदम से डाउन जाएगा तो 27% की जगह आपको 15% के भी रिटर्न मिल सकता है, और मार्केट हाई जाएगा तो आपको 27 से ज़्यादा भी मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर इस फंड की जो परफॉर्मेंस है, पास्ट परफॉर्मेंस है, उसको आप रिसर्च जरूर कराएं इस पर, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कराएं। तो ये कैलकुलेशन दोस्तों सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल के लिए है। अगर आपको कम टाइम पीरियड में ज़्यादा पैसा बनाना है तो पैसा भी आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, और कम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम वहाँ पर आपको ज़्यादा देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों फंड की बेसिक डिटेल देखें, जिसमें सबसे पहले होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर टोटल 213 स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के स्टॉक्स हैं। जिसमें से अगर हम टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंफोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, SCL टेक्नोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी टॉप कंपनीज हैं। यानी कि इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम सेक्टर एलोकेशन वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में 25%, टेक्नोलॉजी के अंदर 9.5%, ऑटोमोबाइल्स के अंदर 8.5%, बाकी यहाँ पर कैपिटल गुड्स, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर और सर्विसेज के अंदर अलग अलग परसेंटेज वाइज पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी कि दोस्तों, ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसका जो मार्केट कैप वाइज एलोकेशन आप देख सकते हैं 50-25-25, यानी कि 50% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। कहने का मतलब दोस्तों, इस फंड का जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी तगड़ा है। इस वजह से दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये फंड काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। इस फंड के अगर हम दोस्तों NAV प्राइस की बात करें तो वो यहाँ पर 20 रुपये की है। यानी कि जब भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 20 रुपये के हिसाब से यूनिट अलॉट की जाएगी। वहीं अगर हम इस फंड के AUM की बात करें तो वो यहाँ पर 17,941 करोड़ रुपये का है। यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इस फंड के अंदर आप मिनिमम 100 रुपये के SIP कर सकते हैं, जबकि मिनिमम आप 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड के अगर हम दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर 0.59% का है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों एक खर्चा होता है जो आपके फंड को मैनेज करने के लिए AMC आपसे चार्ज करती है। वहीं यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करें तो वो 1% है। यानी कि इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट का 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में दोस्तों टैक्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद कभी भी रिडीम करते हैं और आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, तो ऐसे में आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। वहीं यहाँ पर दोस्तों अगर हम फंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर 2 फंड मैनेजर हैं, गोपाल अग्रवाल और ध्रुव म्यूचुअल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम दोस्तों HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो एसेट के हिसाब से दोस्तों इंडिया में 2nd रैंक पर है, जिसका टोटल AUM 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और ये फंड दोस्तों 1999 में स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर सभी कैटेगरी को मिलाकर ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें रिटर्न्स भी हाई हो और रिस्क भी थोड़ा सा कम हो, तो बिल्कुल दोस्तों आप मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सिर्फ रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करें। अगर आप एक बिगिनर्स हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो
तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें, थोड़ा खुद भी रिसर्च करें, देन उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कराएं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मेरा पर्सनली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कराएं। इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।